हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी में। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में आई हुई वैकेंसी के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, इसमें वैकेंसी निकली हुई है फ्रेंड्स। तो इसी के रिगार्डिंग आज मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ और इस वीडियो में हम वैकेंसी के बारे में पूरे डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट नंबर है IGCAR02/2021। इसके बाद स्टार्टिंग डेट की अगर हम बात करें तो 15 अप्रैल 2021 फॉर्म भरने की स्टार्ट डेट है और 14 मई 2021 लास्ट डेट रखी गई है फॉर्म भरने की अंतिम तिथि। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर हम पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर दो टाइप की पोस्टें रखी गई है। सबसे पहली पोस्ट है डायरेक्ट रिक्वायरमेंट और दूसरी है स्टाइपेंड ट्रेनी। तो डायरेक्ट रिक्वायरमेंट में अगर हम बात करें तो सबसे पहले साइंटिफिक ऑफिसर, फिर टेक्निकल ऑफिसर, साइंटिफिक ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर, उसके बाद टेक्नीशियन भी, स्टेनोग्राफर, अपर डिविजन क्लर्क, ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड, वर्क असिस्टेंट और कैंटीन अटेंडेंट। इन सभी की कुल मिलाकर 98 पोस्टें यहाँ पर है। डायरेक्ट रिक्वायरमेंट के आधार पर यहाँ पर पोस्टें भरी जानी है। इसके बाद फ्रेंड्स, आगे अगर हम देखें तो स्टाइपेंडरी ट्रेनी की यहाँ पर पोस्टें हैं टोटल 239। तो यहाँ पर 68 पोस्टें जो है वो स्टाइपेंड ट्रेनी कैटेगरी फर्स्ट की है और 171 पोस्ट जो है वो स्टाइपेंड ट्रेनी कैटेगरी टू की रखी गई है। इसके बाद इसके आगे हम यहाँ पर देखें तो सारी पोस्टों की क्वालिफिकेशन, टोटल वैकेंसी, उसके बाद नेम और सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखें साइंटिफिक ऑफिसर ई, तो इसकी पोस्ट यहाँ पर लिखी गई है कि यहाँ पर पोस्ट का नाम क्या है, उसके बाद पोस्ट कोड क्या है, कौन सी कैटेगरी से आप अप्लाई कर सकते हैं, इसके बाद यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखा है, एक्सपीरियंस लिखा है और एज लिमिट लिखी गई है इस तरह से। तो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में आईटीआई की जो पोस्ट है स्टाइपेंड ट्रेनी कैटेगरी टू, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपको अदर क्वालिफिकेशन का देखना है, अदर पोस्ट के लिए देखना है, तो आप इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करके पूरा डिटेल में समझ सकते हो। और इस वीडियो में हम आईटीआई की जो पोस्ट है स्टाइपेंडरी ट्रेनी, उसकी पोस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम इस नोटिस को देखते जाते हैं, तो इसके आगे यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा स्टाइपेंड ट्रेनी कैटेगरी टू। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्टाइपेंड ट्रेनी कैटेगरी टू लिखा गया है। इसमें टोटल वैकेंसी है 171, जिसमें से यूआर की जो टोटल पोस्ट है वो 130 है, ओबीसी की 4 पोस्टें हैं, एससी की 20 पोस्टें और ईडब्ल्यूएस की 17 पोस्टें यहाँ पर रखी गई है। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले हम देखें तो ड्राफ्ट्समैन, उसके बाद इलेक्ट्रीशियन, फिर फिटर, उसके बाद मैकेनिकल, मशीन टूल, प्लम्बर, रेफ्रिजरेशन, वेल्डर और लेब असिस्टेंट, टोटल 171 पोस्टें हैं। और यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो मिनिमम 60% मार्क इन एसएससी विद साइंस एंड मैथ्स। तो आपको 60% मार्क से आपको 10वीं पास होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर लिखा है एंड आईटीआई सर्टिफिकेट ऑफ नॉट लेस देन 2 ईयर। तो 2 साल का आपको आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर आपके पास 2 साल का आईटीआई सर्टिफिकेट नहीं है, तो अगर आपके पास 1 साल का आईटीआई है, तो इसके साथ में आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, वेल्डर, प्लम्बर, ये जो ट्रेड है, मेसन, कारपेंटर, ये ट्रेडें 1 साल की रहती है, तो इनमें 1 साल का आपको साथ में एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। इसके बाद लेब असिस्टेंट की अगर हम बात करें तो लेब असिस्टेंट की 60% मार्क्स के साथ आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से 12वीं पास होना चाहिए। ये वाले कैंडिडेट यहाँ पर लेब असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से इसके बाद एज लिमिट की अगर हम बात करें तो एज लिमिट 18 साल से लेकर 22 साल तक एज लिमिट रखी गई है। इसके बाद इसका जो सिलेक्शन मेथड है, वो सिलेक्शन प्रोसेस 3 स्टेज में रहती है। सबसे पहले प्रीलिमिनरी टेस्ट होता है, इसके बाद एडवांस टेस्ट होता है और उसके बाद ट्रेड टेस्ट होता है। तो सबसे पहले प्री एग्ज़ाम होती है, उस प्री एग्ज़ाम में 50 क्वेश्चन आते हैं और इसमें जो पास होता है उन कैंडिडेट को एडवांस टेस्ट देने के लिए बुलाया जाता है। तो यहाँ पर जो 50 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं, उनमें 20 नंबर की मैथमेटिक्स आती है, 20 नंबर की साइंस आती है और 10 नंबर का जनरल अवेयरनेस आता है। इसके बाद क्वालिफाइंग मार्क जो रहते हैं वो यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% और ओबीसी और एससी के लिए 30% रहते हैं। इसमें जो
ये क्वालिफाइंग मार्क ले आते हैं उन्हें एडवांस टेस्ट के लिए बुलाया जाता है और एडवांस टेस्ट के हिसाब से यहाँ पर मेरिट बनती है। इसके बाद फ्रेंड्स मेरिट बनने के बाद यहाँ पर स्किल टेस्ट लिया जाता है जो कि आपके एडवांस टेस्ट में जो नंबर मिलते हैं उसके हिसाब से आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा 4-5 गुना कैंडिडेट को। और उसके बाद यहाँ पर आपका ट्रेड टेस्ट होता है। इसके बाद फ्रेंड्स अगर स्टाइपेंड की अगर हम बात करें तो कैटेगरी फर्स्ट के लिए 16,000 और कैटेगरी सेकंड के लिए फर्स्ट ईयर में आपको 10,500 का स्टाइपेंड मिलने वाला है। इसके अलावा 12,500 का स्टाइपेंड आपको सेकंड ईयर में मिलने वाला है। इसके बाद इसके आगे अगर हम देखें तो आपको कैटेगरी टू जो है आप आईटीआई से अगर फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको 2 साल के बाद टेक्नीशियन की पोस्ट पर लेवल 4 और लेवल 3 के पेमेंट बेस पर आपको यहां पर परमानेंट कर दिया जाता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप यहां पर देख सकते हैं कि सारी जानकारी स्टाइपेंड ट्रेनी कैटेगरी 2 के बारे में हमने देख ली है। इसके बाद अगर हाइट और वेट की अगर हम बात करें तो हाइट आपकी 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए 148 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके बाद वेट की अगर हम बात करें तो वेट आपका BMI के आधार पर होना चाहिए जो कि वेट और हाइट के आधार पर काउंट किया जाता है। इसके बाद विज़न यहाँ पर आपको कलर ब्लाइंडनेस या फिर नाइट विज़न का आपको कोई भी आपकी आई जो है उसमें कोई भी दोष नहीं होना चाहिए कलर ब्लाइंडनेस या फिर नाइट विज़न का। इसके बाद फ्रेंड्स इसके आगे अगर हम देखें तो एज रिलैक्सेशन दिया गया है जो कि OBC कैंडिडेट और SC ST कैंडिडेट के लिए है। तो यहाँ पर 5 साल का एज रिलैक्सेशन SC ST के लिए है और 3 साल का एज रिलैक्सेशन OBC कैंडिडेट के लिए रखा गया है। इसके बाद फ्रेंड्स लास्ट में हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर 100 रुपये रखी गई है स्टाइपेंड ट्रेनी कैटेगरी 2 के लिए। इसके बाद स्टाइपेंड ट्रेनी कैटेगरी फर्स्ट के लिए यहाँ पर 200 रुपये रखी गई है, ड्राइवर के लिए 100 रुपये, कैंटीन अटेंडेंट, वर्क असिस्टेंट, सिक्योरिटी गार्ड, अपर डिवीजन क्लर्क, स्टेनोग्राफर और टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर 100 रुपये फीस रखी गई है। इसके बाद बाकी जो पोस्ट है फ्रेंड्स उनके लिए 300 रुपये यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। तो आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर आपको समझ में नहीं आया है या फिर कोई भी बात पूछनी है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, आपको कमेंट में जवाब दे दिया जाएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और इस वीडियो की PDF आप इस नोटिफिकेशन की PDF आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, उससे डाउनलोड कर सकते हैं।